कतशाय, बहुत मजा आएगा। ड्रैगन्स के बारे में कुछ भी मजेदार नहीं है, वो डरावने हैं पर मजेदार नहीं। लेकिन फ्लटरशाय, ग्रेट ड्रैगन माइग्रेशन कई सौ सालों में एक ही बार होता है, क्या तुम इस मौके को यूं ही गवा देना चाहती हो? जब तुम इस तरह से कह रही हो तो। ओह फ्लटरशाय, हम नहीं चाहते तुम ये मौका गवा दो। मौका गवा दो किसे देखने का? बड़े नुकीले आग उगलने वाले ड्रैगन्स को। वेल, हाँ। थैंक्स, बट नो थैंक्स। देखो फ्लटरशाय, मैंने तुम्हारे साथ वो बोरिंग बटरफ्लाई माइग्रेशन देखा था, अब तुम्हारी बारी है मेरे साथ ड्रैगन माइग्रेशन देखने की। ये उधार है। मैंने कहा? ओके, लगता है इस बार मदद करनी पड़ेगी। मुझे तो कोई ड्रैगन नहीं दिख रहा। मुझे भी नहीं। शूट, क्या तुम्हें लगता है हमने उन्हें मिस कर दिया? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हम थोड़ा जल्दी ही पहुंच गए और ये अच्छा ही हुआ। इस तरह हम माइग्रेशन का एक एक पल देख सकते हैं किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींचे बिना, है ना? वेल, क्या कहते हो, मुझे देखते ही आग लग जाएगी या नहीं? तुम्हारा टोस्ट बन जाएगा जब ड्रैगन्स तुम्हें परेड करते हुए देखेंगे। तुम बहुत अच्छी लग रही हो रारिटी, पर तुम यहाँ हमारे साथ झाड़ियों में आकर भी अच्छी लग सकती हो। अच्छी लग रही हो सही नहीं है, मैं शानदार लग रही हूँ। कौन कहता है कि कैमोफ्लाज हमेशा फीके रंगों का ही होना चाहिए? अहोय मेडीज, ड्रैगन्स हो। वाव, बहुत खूब। बहुत ही बकवास मूव था, साधारण सा। इस मूव के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है रेनबो डैश? क्या अभी भी बकवास है? इतना खास नहीं, मेरे दिमाग में निडर शब्द आ रहा है। और डरावना और सुपर डुपर स्केरी। हाँ, ड्रैगन्स की ताकत का अंदाजा सबको है। सही कहा स्पाइक, मैंने अपने पूरी जिंदगी में इससे डरावना एप्रन नहीं देखा। एप्रन पहनने में क्या बुराई है? तब हंसना जब तुम्हारे स्केल्स पर ब्लूबेरीज गिर जाए, मतलब पंखों पर, वो दाग नहीं निकलते। एक जिद्दी दाग एक बेवकूफ ड्रैगन के सामने। उसे अकेला छोड़ दो रेनबो डैश, स्पाइक सबसे अलग है, उसे बाकी ड्रैगन्स की तरह दिखने की जरूरत नहीं। ऐसा बर्ताव करने की? मेरा नाना स्पाइक जैसा है वैसा परफेक्ट है। क्या मैं बाकी ड्रैगन्स जैसा नहीं हूँ? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। पर तुम ऐसा क्यों करना चाहोगे स्पाइक? हाँ, तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जिसके वो डरावने ड्रैगन सिर्फ सपने ही देखते हैं। वो क्या है? सबसे क्यूट चबी चीक्स। क्यूट? ड्रैगन्स क्यूट नहीं होते, है ना? ओह स्वीटी, तुम्हारे चेहरे का रंग लाल हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओह, जब वो गुस्से में अपने छोटे छोटे कदमों से चलता है तो कितना क्यूट लगता है। छोटे कदमों से चलता है। मैं क्या हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे क्या बनना है? मुझे नहीं पता। आखिरी बार कह रही हूँ स्पाइक, तुम मुझे एक अंडे के रूप में मिले थे। मैं नहीं जानती उसके पहले तुम किसे और कहाँ पर मिले थे। सच में तुम्हें बस इतना ही पता है? I'm sorry, स्पाइक। इससे मुझे कुछ नहीं पता चलता कि मैं कौन हूँ। मुझे जवाब चाहिए। मुझे लग रहा है जैसे मैं अजनबी की तरफ देख रहा हूँ। ओ स्पाइक, क्यों ना हम थोड़ी सी लेट नाइट रिसर्च करें, देखते हैं हमें क्या मिलता है। सच्ची, तुम ऐसा करोगी? हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन है हम कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे। कुछ भी नहीं, इसमें भी कुछ नहीं है। ड्रैगन्स के बारे में कुछ भी नहीं है, रिसर्च बेकार साबित हुई। जानती हूँ यकीन करना मुश्किल है, पर पोनीज को ड्रैगन्स के बारे में कुछ नहीं पता है। उन्हें ढूंढना मुश्किल ही नहीं, उनके बारे में स्टडी करने में भी खतरा है। सोच रहा हूँ क्या ड्रैगन्स भी रोते हैं। ओह स्पाइक। कोई बात नहीं ट्वाइलाइट, मैं पता लगा कर रहूंगा कि मैं कौन हूँ। दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट करना चाहोगे? ये तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे जोरों की भूख लगी है। मेरे लिए नहीं, मुझे जल्दी से काम शुरू करना है। जल्दी से काम शुरू करना है? हाँ,
मैं खुद को ढूंढने के सफर पर निकल रहा हूँ और जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ। पता लगाने का एक ही तरीका है, मैं ड्रैगन्स के माइग्रेशन में शामिल होऊंगा। क्या? स्पाइक, बेकार की बातें मत करो। मैं जानती हूँ तुम भी एक ड्रैगन हो, पर वो ड्रैगन्स खतरनाक हैं। वो बड़े ताकतवर और डरावने हैं। मैं छोटा और कमजोर हूँ और मुझे एप्रिंस पसंद है, ये देखो, इसलिए मैं उनके साथ वक्त बिताने जा रहा हूँ। पर तुम्हें चोट लग सकती है स्पाइक। डार्लिंग, इस बार मुझे वाकई रेनबो डैश की बात माननी पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि वो बड़े और डरावने ड्रैगन्स तुम्हारी क्यूटी वूटी सर का एक बाल भी बाका कर सके। आई एम सॉरी, मैंने फैसला कर लिया है। जल्दी कुछ करो, उसे रोको इससे पहले कि देर हो जाए। हे, उसे वापस करो। रुको। सच में? क्या तुम्हें लगता है उसे जाना चाहिए? हाँ स्पाइक, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे पाई, मेरी किताबें भी नहीं दे पाई, और इसीलिए तुम और जगहों पर ढूंढना चाहते हो। मुझे सच में लगता है कि तुम्हें इस सफर पर जाना चाहिए, और हमें कोई हक नहीं है तुम्हें रोकने का। मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, तुम्हारा दिमाग घूम गया है, पर मैंने भी पागलों वाले काम बहुत किए हैं। हम जानते हैं। वेल स्पाइक, अब वक्त है गुड बाय कहने का। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे और तुम्हारे जवाब का भी। हाँ, उम्मीद है तुम्हारे ट्रेफर तुम्हारा सफर तुम्हें तुम्हारे मैं कौन हूँ सवालों का जवाब दिला दे। थैंक्स एवरी पोनी, जरूर मिलेगा। गुड बाय स्पाइकी वाइकी। जाओ और उन्हें दिखा दो, हमें तुम पर विश्वास है। हम उसका पीछा कर रहे हैं ना? बिल्कुल। अब ये मेरी स्पीड वाले हैं और साइज के भी। मैं तुम्हें बताती हूँ, हम असली ड्रैगन्स की तरह कभी नहीं बन पाएंगे। ओहो, ये कॉस्ट्यूम शानदार है, मेरे सबसे अच्छे क्रिएशंस में से एक है। अगर उन्हें एक ड्रैगन में से तीन आवाजें आती सुनाई दे गई तो हम उनमें कभी शामिल नहीं हो पाएंगे। अब चलो। माफ करना। हाय, मैं स्पाइक हूँ। तुम्हें यकीन है तुम्हारा नाम स्पाइक ये श्रिंप नहीं है? नहीं, मैं स्पाइक हूँ, मुझे पूरा यकीन है। तुम तो मुझे किसी पीवी की तरह लग रहे हो। हे दोस्तों, कम ऑन, सीरियसली उसे अकेला छोड़ दो यार, नहीं तो वो उड़ जाएगा, वो भी अगर उसके पास पंख हुए तो। क्या तुम माइग्रेशन के लिए अपने मम्मी के पीठ पर बैठकर जाओगे? दरअसल नहीं। हाँ क्यों नहीं, क्या तुम देख नहीं सकते बेबी स्पाइक अभी अंडे से निकला है? मुझे यकीन है रात को ही अपना अंगूठा चूसता होगा। मैंने एक महीने से ऐसा नहीं किया। अगर तुम अभी अभी अंडे से बाहर नहीं निकले हो तो फिर हमने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? देखो, मैं पोनीविल में रहता हूँ और मैं पोनीविल। अब मुझे समझ आया, मुझे पहले से ही लग रहा था कि तुम में कुछ तो पोनी जैसी बात है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो मैं कहूँगा कि तुम आधे पोनी हो। मैं आधा पोनी नहीं, मैं पूरा ड्रैगन हूँ, देखो। या फिर हो सकता है कि तुम एक पोनी हो ड्रैगन के कॉस्ट्यूम में। एक ड्रैगन के कॉस्ट्यूम में पोनी। हाँ, अच्छा मजाक है। मैं एक असली ड्रैगन हूँ। ओ अच्छा, साबित करो। कैसे? एक ड्रैगन की तरह बर्ताव करके। कौन तैयार है डकार मारने के कॉन्टेस्ट के लिए? हे
क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम्हें लगता है तुम इससे बेहतर कर सकते हो छोटू? प्रिंसेस सेलेस्टिया की डेस्क से, डियर स्पाइक प्लीज बताना। ये देखो दोस्तों, स्पाइक एक नैम्बी फैम्बी पोनी प्रिंसेस का दोस्त है। वो उसे ऐसे कैसे फेंक सकता है? वो लेटर जरूरी भी तो हो सकता है ना? हम उसके बारे में चिंता नहीं कर सकते, अभी स्पाइक की मदद करने आए हैं। जानती हूँ, पर कोई भी प्रिंसेस सेलेस्टिया की बेइज्जती नहीं कर सकता। शायद पूंछ की कुश्ती में तुम अच्छे हो गए। रेडी गो। द विनर। वही पूंछ की कुश्ती। हम चुटकु स्पाइकी वाइकी को उनमें से किसी के साथ कुश्ती लड़ने नहीं दे सकते। चलो चलें। मैं स्पाइक को पूंछ की कुश्ती के लिए चुनौती देता हूँ। यह अजीब सा ड्रैगन कौन है? मेरे ख्याल से एक क्रैकल का कजिन है। वाओ। तभी ऐसा है। रेडी गो। स्पाइक के मुकाबला जीत गया। ये बहुत अच्छे छुटकु स्पाइक, लगता है तुम एक ड्रैगन ही हो। हाँ, शायद मैं हूँ। रेनबो डैश, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारा बेकार प्लान काम कर गया। ओ, ठीक है, अगला कौन है? थोड़े बड़बोले बनते जा रहे हो। हाँ, मुझे ये पसंद है। मुझे लगता है तुम्हें कुश्ती उसके साथ करनी चाहिए। Go! तो स्पाइकी, तुम अभी तक साबित नहीं कर पाए कि तुम एक असली ड्रैगन हो, है कि नहीं? कोशिश के लिए मुझे ए मिलना चाहिए। शायद। चलो देखते हैं अगले कॉन्टेस्ट में तुम कैसा परफॉर्म करते हो। ढेर का बादशाह। यही मौका है। जल्दी। ढेर का बादशाह। लगता है तुम्हें फेल होने की आदत है ना छुटकु स्पाइक? और मुझे लगता है तुम लावा कैनन बॉल में भी फेल हो गए। जो भी सबसे ज्यादा लावा उछालेगा वही होगा अल्टीमेट ड्रैगन। मैं तो चला। लगता है इस बार स्पाइक को ये अकेले ही करना होगा। ये ड्रैगन। क्या हुआ स्पाइक? तुम्हें डर है लावा तुम्हारी मुलायम पोनी हाइट को जला देगा? क्या मैंने बहुत बुरा किया? नहीं डूड, ये शानदार था। इस तरह पेट के बल गिरने के बाद कोई भी पोनी बच नहीं पाता। तुम एक मजबूत छुटकु ड्रैगन हो। ये तो बहुत शानदार है। बिल्कुल। स्पाइक, पेट के बल इतने जोर से गिरकर तुमने अपने आप को काबिल साबित कर दिया, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम है रुकी ड्रैगन। अब तुम्हें ड्रैगन बनाने का रिवाज शुरू करते हैं। अब चलो पार्टी करते हैं ड्रैगन स्टाइल में। वाह, क्या शानदार पार्टी थी। शानदार शायद पॉसिबल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। हमारे साथ रहो स्पाइक, एक ड्रैगन बनने के लिए तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं कहीं नहीं जा रहा,
मुझे हमेशा हमेशा के लिए यही रहना है, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। स्पाइकी वाइकी इन डरावने ड्रैगन्स के साथ रहने वाला है, वो भी हमेशा के लिए। ओह नो, ये बहुत बुरा हुआ। मुझे उसे लाइब्रेरी में ही रोक देना चाहिए था जब मेरे पास मौका था। नहीं रेनबो डैश, ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने ही उसे जाने के लिए कहा। पता है स्पाइक, मुझे लगता है तुम तैयार हो एक असली ड्रैगन रेड के लिए। बिल्कुल। यह नजदीक ही फीनिक्स के अंडों का एक घोंसला है और हम उन्हें चुराने वाले हैं। क्या तुम पागल हो गए हो जो इस रेड पे जा रहे हो? ओह हाँ, मैं एक्साइटेड हूँ, मतलब मैं खुश हूँ। तो फिर देर किस बात की है, चलो उड़ते हैं। माफ करना दोस्तों, मैं तुम्हें यही मिलूंगा जब ये रेड खत्म हो जाएगा, हम साथ मिलकर मजे। ओह नहीं, वो स्पाइक को ले गए, हमें उनके पीछे जाना होगा। रेनबो डैश रुको, हम उड़ नहीं सकते। और तुम मेरी शानदार कॉस्ट्यूम को खराब कर रही हो। माफ करना, पर हमें स्पाइक की मदद करनी है। वेल, हमें चलकर जाना होगा। ध्यान से सुनो स्पाइक, तुम हमारे रुकी ड्रैगन हो, इसीलिए तुम्हें पेरेंट्स को घोंसले से दूर ले जाना होगा। लकी मी। तो चलो फिर शुरू हो जाओ। हे मिस्टर एंड मिसेस फीनिक्स, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मुझे आप दोनों से कुछ सवाल पूछना है। हमारे पास पूरा दिन नहीं है स्पाइक। हे छोटे दिमाग वालों, जरा मुझे पकड़ कर दिखाओ। ये क्या? चूजे तो निकला है। अब हम क्या करें बताओ? हम इन चूजों को ही ले चलेंगे, और क्या। पकड़ो उन्हें। पकड़ लो उन्हें। वो बच के निकल गए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वेल, हमें क्या मिला? क्या हुआ? वो बच के निकल गए। और हे, तुमने एक अंडा चुरा लिया? वेल, मेरे ख्याल से हमारी रेड पूरी तरह बेकार तो नहीं रही। शाबाश स्पाइक। तो तुम किस बात के लिए रुके हो? फोड़ दो उसे। अंडे को फोड़ दो? उसे जोर से जमीन पर पटको और उसे फोड़ दो। फोड़ दो, फोड़ दो, फोड़ दो, फोड़ दो, फोड़ दो। ये बस एक बेचारा अंडा है, जैसा मैं था। मैं इसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। क्या कहा तुमने? मैंने कहा नहीं। कोई भी मुझे ना नहीं बोलता है। कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। सही कहा, मुझे लड़ना नहीं आता, मैं फैशन ज्यादा जानती हूँ। पर अगर तुमने उसका बाल भी बाका किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ओह, मैं डर गया। स्पाइक, क्या ये नैम्बी पैम्बी पोनीज तुम्हारी दोस्त है? हाँ वो है, और वो तुमसे कई ज्यादा अच्छे दोस्त है। अगर तुम पीछे नहीं हटे तो तुम्हें पता चल जाएगा पोनीज क्या करते हैं जब उन्हें मुकाबला करना होता है तुम जैसे भद्दे ड्रैगन्स के साथ। ओह अच्छा, ऐसा क्या करने वाले हो? चलो भागो। Yeah.
बाल बाल बचे। थैंक्स दोस्तों। बिल्कुल, आखिर दोस्त होते किस लिए हैं? तुम मेरे दोस्त ही नहीं, मेरी फैमिली हो। डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, ग्रेट ड्रैगन माइग्रेशन देखकर मैंने सोचा कि एक असली ड्रैगन होने का क्या मतलब होता है, पर अब मुझे समझ आया कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। मैं जरूर एक ड्रैगन हूँ, पर एक्वेस्ट्रिया में मेरी पोनी फ्रेंड्स ने मुझे सिखाया कि वफादारी और सच्चाई कैसे निभाई जाती है। मुझे पोनी विल को घर और अपने पोनी फ्रेंड्स को मेरी फैमिली बुलाते हुए फख्र महसूस होता है। योर्स ट्रूली, स्पाइक। हे फैमिली में स्वागत है पीवी, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें पोनीज के बारे में बहुत सारी बातें सिखाऊंगा।